और अब आपको बताते हैं एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वाले लोग भारत से या फिर यूं कहें भारत की मोदी सरकार से क्यों जलते हैं। आपको भारत की 5 बड़ी उपलब्धियां बताते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है। साल 2021 में भारत G7 समिट में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे ताकतवर और विकसित देश सदस्य हैं। और G7 का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी भारत को इसमें न्योता दिया गया था, भारत शामिल भी हुआ था। जून 2020 में गलवान में भारत ने चीन को सबक सिखाया, भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों को मार भगाया, भारत के साथ झड़प में चीन के कई सैनिक मारे गए। पूरी दुनिया में भारत ने संदेश दिया कि भारत की 1 इंच जमीन को भी कोई हड़प नहीं सकता, चाहे वो चीन जैसा बड़ा मुल्क क्यों ना हो। साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया, आतंकियों के खिलाफ सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 26 फरवरी 2019 को वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की, देश के दुश्मनों को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ध्वस्त कर दिया। साल 2014 से 2019 के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 142 से 63वें स्थान पर पहुंच गया। ये 5 साल की भारत की व्यापार नीति पर आधारित था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है, इसमें कारोबार सुगमता के साथ कई तरीके के पैमाने रखे जाते हैं, लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता इसमें शामिल है। मतलब 2014 के बाद भारत कारोबार के लिहाज से पूरी दुनिया में बेहतर जगह बना है। सितंबर 2014 में पहले प्रयास में भारत को मंगल मिशन में सफलता मिली। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का उपग्रह मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया और उसकी इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत दुनिया का 4था देश बना। शायद सरकार की ये, भारत की ये उपलब्धियां भारत विरोधी गैंग और उनके गुर्गों को नागवार गुजर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।